देवली टोंक से देवा भाई का 10 साल पुराना मित्र हूँ जी। मैं खुद एक विकलांग इंसान हूँ जी। 2013 में मैं कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जी, तब देवा भाई और हमारी मुलाकात हुई थी जी। उस दौर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, देवा भाई ने मेरे परिवार और मुझे जी, जबकि मैं कोमा से बाहर निकला ही था जी, इतनी हिम्मत दी कि आज एक विकलांग आदमी भी आप जैसा कहें वैसा काम कर सकते हैं, एक हाथ से बाइक एक हाथ से कार इजीली मैं कर सकता हूँ, अपना काम धंधा वगैरह हर चीज बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो ये सब मैं अपने देवा भाई की कृपा ही मानूंगा जी। मेरे अंदर जुनून यही पैदा हुआ, अब मैं हर इंसान को जगाकर अपने देवा भाई को इंसाफ दिलाऊंगा। शुरुआत करी आपकी बात बहुत सही लगी, लेकिन और भी काफी लोगों को और भी बताइए आप, और भी कुछ बातें। लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखावा पसंद है जी, बिल्कुल। मैं जिस टाइम रावत भाटा और बोरावास गया था जी, उस वक्त अगर आप हमारे साथ होते ना जी, तो कह सकता हूँ कि शायद आंसू निकल जाते आपके। अरे दूर दूर से लोगों के वो हो रहा था यार, वो अंदर से सब रो रहे थे, लेकिन आप वो बात आपकी सही है कि वहां जब होते तो आदमी की नहीं, उनके घर जाकर नहीं जी। रावत भाटा जो रोड है बोरावास से जी, आपको पता है तो वो एक घाटियों का रोड है, घना जंगल। हाँ जी, अगर आप लोग कभी गए हो तो उस जंगल में लाइन से, हाँ उस रोड पे लाइन से कम 100 से 200 बंदर अच्छा ऐसे बैठे हैं कि देवा कब आएगा कब आएगा कब हमारे लिए खाना लाएगा। उनके मुंह देखकर अगर आपको उनकी बातें ना पता चल जाती ना तो मैं अपना नाम बदल सकता हूँ। ये हल्का से एक आंखों में आंसू निकले, एक बेजुबान भी आज हमारे भाई को याद कर रहा है जो उनके लिए रोजाना दाना पानी बिस्किट खाना ये लाकर उनकी भोजन की व्यवस्था करता था जी। सलमान भाई साहब, ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। मतलब वहाँ पे जो ये मतलब भाई साहब निकलते थे तो वहाँ पे जो कुछ लोग रहते थे बंदर, उनको खाने की डेली व्यवस्था करते थे देवा भाई साहब? 1000 से 1500 रुपए डेली, 1000 से 1500 जी। और ये देख लीजिए कि वो बोरावास और जो रावतभाटा का रूट था ना जी, वो उनका रेगुलर रूटीन था, क्योंकि बोरावास उनका होम टाउन और रावतभाटा उनका वर्क प्लेस। यस हाँ, तो आवन जावन तो रेगुलर था ही। सही है हाँ, तो वो अपने इस कर्म को करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। नहीं, और कभी भी आप रावतभाटा या बोरावास कभी जाएंगे ना जी, तो आदमी आपको घेर लेंगे अगर आपने देवा भाई का नाम लिया तो जी साहब। अरे भाई देवा भाई कितना अच्छा इंसान है, वो कितना अच्छा दानी था, कितना परोपकारी था, लेकिन वो 100 आदमी आज खड़े नहीं हुए थे। उन सबको खड़ा किया मैंने 5 मई 2022 अभी इंडोली तहसील बूंदी जिला जी, वहां पर अपने मैंने 120 लोगों को इकट्ठा किया जी। 120 लोगों ने मिलकर हम सब ने तहसील में SDM साहब को एक ज्ञापन सौंपा जी, भाई हमें इंसाफ दिलाइए, हमारे भाई के हत्यारों को फांसी की सजा और CBI जांच हमें चाहिए जी। तो आप उस चीज का नतीजा समझेंगे कि हम लोग एक हुए तो क्या नतीजा मिला? नहीं, आप एक हुए तो ही इतना कुछ हुआ ना भाई, इतना आपने ज्ञापन सौंपा गए तो आपने कुछ एक महीने से जो फरार इंसान था ना बेरू गुजर जी, उस एक दिन की एकता से पुलिस द्वारा पकड़ा गया। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने जी। एक महीने से लापता था जबकि वो, लेकिन पुलिस प्रशासन भी एक बार भीड़ को देख के चमकता है। 5 मई को आप सब लोग इकट्ठे हुए थे जी, और 5 मई को ही शाम के टाइम भेरू गुजर को पकड़ा गया जी। तो ये एकता का बल होता है। राइट, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। और 5 तारीख के बाद यानी जब हम 120 लोग ही इकट्ठे हुए तो थोड़ा दिल निराश हो गया था, तो मैंने कहा यार अगर अपन ने ये मुहिम रोक दी जी तो भाई के हत्यारों को तो एक दिन जमानत मिल जाएगी, लोग अभी सुनने पड़ चुके हैं, कल को वो ठंडा हो जाएगा यानी मामला जी। तब जाके मैंने
कि 25 मई 2022 की कोटा में जनसभा का आंदोलन स्टार्ट किया और आज रेगुलर सुबह से लेकर रात 12 बजे तक यानी आप कहेंगे 100 से लेकर 500 लोगों से रोजाना एक भीख मांगता हूँ कि भाइयों आपको चलना है, भाइयों आपको चलना है, हमारे भाई को इंसाफ दिलाकर दोस्ती का नाम बनाए रखना है। जी, क्योंकि देवा गुजर का जिसने हत्याकांड किया वो बाबू गुजर था और वो खास दोस्त था। जी, दोस्त हमारे आप भी हो या कोई भी नया बनता है तो हमें क्या पता दोस्त की पीठ में छुरा घोप सकता है। सही बात है, फिर तो कल को हम दोस्ती करने से डरेंगे अगर इसको सजा नहीं दिलाई तो। सही बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। और 25 तारीख के लिए अब मुझे अपनी कामयाबी दिखने लगी है। 5 से 6 हजार लोगों का हमारे को सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जल्दी यह आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा कि भाई इंसाफ भी कोई चीज होती है। जी। आप लोगों से एक ही विनती करूंगा, अगर आप लोग देवा भाई के चाहने वाले हैं तो,